न्यूज नेशन। जम्मू कश्मीर से आज़ादी के बाद से जवानों की हत्या करने वाले, जवानों को घेर कर पत्थरबाजी करने वाले, आतंकवादियों की मदद करने वाले कश्मीरियों पर सीआरपीएफ जवानों ने आज जो किया है उसकी मिसाल हिंदुस्तान हजारों सालों तक देगा। आज कोरोना महामारी से पूरी दुनिया तबाह है और देश हो चाहे विदेश हो, हर युवक इससे अछूता नहीं है। वहीं पर देश के जवान चाहे सीआरपीएफ चाहे सेना हो, वो कोरोना से भी जंग लड़ रहे हैं और आतंकवाद से भी जंग लड़ रहे हैं, साथ साथ पाकिस्तान और चीन जैसे देशों से भी मुकाबला कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमारे जवानों के कंधों पर कई जिम्मेदारियां होती हैं और जिम्मेदारियां निभाने के लिए कभी कभी उनको अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़ती है। कश्मीर की बात कर रहे हैं हम, कश्मीर इन्हीं कश्मीरियों ने कई बार जवानों पर पत्थरबाजी की, जवानों को घायल किया, जवानों की हत्याएं भी की। आज इन्हीं कश्मीरियों पर भारतीय सेना सीआरपीएफ के जवान इस कदर मेहरबान हुए हैं कि जिसकी मिसाल हमेशा से दी जाएगी। पूरी खबर क्या है, मैं अनुरोध करता हूं कि आप इस खबर को शेयर करिए और जवानों के बारे में अपनी अहम राय जरूर दें। कश्मीर में आतंकी मुठभेड़ हो या फिर कानून व्यवस्था खराब करने वाले प्रदर्शनकारियों से निपटना हो, हर जगह सीआरपीएफ जवान आगे आकर मोर्चा संभालते हैं। अब यह जवान कोरोना संक्रमित कश्मीरी लोगों को प्लाज्मा डोनेट कर उनकी जान बचाने के लिए भी आगे आ रहे हैं। अब तक लगभग 8 से ज़्यादा अधिक पॉइंट प्लाज्मा जवानों ने दान किया है। सीआरपीएफ के एक अधिकारी ने बताया कि वर्ष 2017 में सीआरपीएफ द्वारा शुरू की गई मददगार हेल्पलाइन 14411 इस लॉकडाउन में लोगों का सहारा बनकर उभरी है। इसी हेल्पलाइन पर फोन आने पर सीआरपीएफ ने जरूरतमंद लोगों को राशन बांटा। अब कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए प्लाज्मा को लेकर भी लोग इस हेल्पलाइन पर कॉल कर रहे हैं। यहां 15 से अधिक कॉल आ चुकी है। 8 यूनिट प्लाज्मा जवानों ने दान भी किया है। प्लाज्मा डोनेट करने वाले सीआरपीएफ के दो जवानों ने कहा कि वह काफ़ी गर्व महसूस कर रहे हैं कि वह किसी की जान बचाने के काम आ रहे हैं। चेन्नई के रहने वाले एसआई टी मुनियांडी ने कहा कि हम जब उन्हें यह पता लगा कि एक व्यक्ति को प्लाज्मा की ज़रूरत है तो उनसे रहा नहीं गया, स्कीम्स में प्लाज्मा दान कर उस व्यक्ति की जान बचाई। वहीं उत्तर प्रदेश के सचिन कुमार ने कहा कि पहले जब वह पॉजिटिव हुए तो सभी की तरह उन्हें भी डर लगा कि अब क्या होगा, लेकिन जब ठीक हुए तो अब वह खुश हैं। वह ठीक होने के साथ साथ अब प्लाज्मा डोनेट कर दूसरों को भी ठीक होने में मदद कर सकते हैं। तो ये है हमारे जवानों की सोच, ये हमारे जवानों की इच्छा शक्ति, ये हमारे जवानों का देश प्रेम। चाहे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक किसी भी इंसान, किसी भी हिंदुस्तानी को कोई ज़रूरत होती है तो हमारे जवान तत्पर होते हैं। हमारे देश के सीआरपीएफ हो चाहे सेना हो, वो अपने नागरिकों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध होती है। लेकिन हम पूरे देश की अगर बात करें तो कश्मीर एक ऐसा राज्य है जहां पर कई बार हमारे देश के जवान कश्मीरियों से धोखा भी खा जाते हैं। ये वही कश्मीरी हैं जो आतंकवादियों को बचाने के लिए भारतीय सैनिकों के मिशन में, भारतीय सैनिकों के एनकाउंटर में रोड़ा बनते हैं। ये वही कश्मीरी हैं जो सैनिकों को घेर कर उनको पत्थरों से खोज खोज कर उनकी हत्याएं कर देते हैं। ये वही कश्मीरी हैं जो कभी तिरंगा जलाकर पाकिस्तान का झंडा लहराते थे। ये वही कश्मीरी हैं जिन्होंने कभी कई लाख कश्मीरी पंडितों को काट कर मार कर कश्मीर से भगा दिया था। आज उन्हीं कश्मीरियों पर सेना इस कदर मेहरबान, उनकी जान की रक्षा कर रही है। लेकिन दुख तब होता है जब यही कश्मीरी भारतीय सैनिकों को टेररिस्ट, भारतीय सैनिकों को रेपिस्ट, भारतीय सैनिकों को हत्यारा बताते हैं। यही कश्मीरी भारतीय सैनिकों के मिशन में, भारतीय सैनिकों के इनकाउंटर में रोड़ा बनते हैं। एक बार नहीं, कई बार आपने देखा होगा, वीडियो भी वायरल हुई है, कई बार कश्मीरी भारतीय सैनिकों पर पत्थरबाजी करते हैं। कभी कभी तो एक वीडियो ऐसी भी आई थी जिसमें सीआरपीएफ के कई जवान जा रहे थे, उनको कश्मीरी लड़कों ने घेर कर उनको थप्पड़ों से, लात घूसों से उनको मारा था, जबकि सीआरपीएफ जवानों के हाथों में AK-47 भी थी। वो चाहते तो एक बार अगर घुमा देते ऐसे
तो वहाँ पर जितने लड़के थे, जितने कश्मीरी थे, सब के सब ढेर हो जाते। लेकिन उन्होंने किसी भी लड़के को, किसी भी कश्मीरी को पलटकर जवाब नहीं दिया और चुपचाप चले गए। उन्होंने भारतीय सेना की, सीआरपीएफ की नम्रता को उनकी कमजोरी समझा। वो नहीं जानते हैं कि ये वही सीआरपीएफ के जवान हैं कि जब सामने आतंकवादी होता है तो उसकी आंखों में आंखें डालकर उसके यहाँ गोली मारते हैं, उसको ढेर करते हैं। जितना ये खतरनाक आतंकवादियों के लिए होते हैं उतना ही नम्र, उतने ही दयालु ये हिंदुस्तानियों के लिए होते हैं, आम नागरिकों के लिए होते हैं। लेकिन भारतीय सेना की दया, नम्रता की अगर कोई परीक्षा ले तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। हम वो हिंदुस्तानी हैं कि जो गांधी जी को भी पूछते हैं और भगत सिंह को भी पूछते हैं। अब ये डिसाइड करता है सामने वाला कि वो किसके हाथों से वो समझना चाहता है, गांधी जी कि भगत सिंह। क्योंकि जब कभी ज़रूरत पड़ती है तो हम इन्हीं कश्मीरियों के मोहल्ले में या घर में घुसकर इनकाउंटर करते हैं आतंकवादियों का, जिन आतंकवादियों को इन्हीं यही कश्मीरी छुपाकर बैठे होते हैं, इनको खाना खिलाते हैं, रोटी खिलाते हैं, और मौका आने पर ये आतंकवादी, ये कश्मीरी मदद करते हैं भारतीय सेना के काफिले को दहलाने में। आपको याद होगा वो पुलवामा हमला जिसमें 40 जवान शहीद हुए थे, वो जो आतंकी था अहमद डार, वो कोई विदेशी नहीं था, कोई पाकिस्तानी नहीं था, बल्कि वो कश्मीर का ही लड़का था। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से पाकिस्तान कश्मीरियों की मदद लेता है, कश्मीरियों का ब्रेन वॉश करता है, कश्मीरियों के हाथों से वो देश की बर्बादी कराता है। आज धारा 370 ख़त्म की गई है। धारा 370 को ख़त्म करने के बाद, आर्टिकल 370 को ख़त्म करने के बाद सरकार की ये सोच है कि कश्मीर को बहुत ही बेहतरीन बनाया जाए, इतना बेहतरीन बनाया जाए कि दुनिया देखती रह जाए। लोग जन्नत सोचते हैं कि जन्नत है हिंदुस्तान में, वो जन्नत वाकई में कश्मीर को दिखाया जाए कि वाकई में दुनिया में कहीं जन्नत है तो हिंदुस्तान के कश्मीर में है। लेकिन कश्मीरी ही अगर नहीं चाहते कि वहाँ पर जन्नत बसे तो फिर भारतीय सेना और सरकार का कोई दोष नहीं है। एक साल अगर कश्मीरी बस एक साल अपना सही समय ईमानदारी से भारतीय सेना और सरकार को दे दें, यकीन मानिए कश्मीर से आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा। कश्मीर में कोई बंदूक उठाने वाला नहीं मिलेगा, कश्मीर में कोई भी पाकिस्तान का नाम नहीं लेगा, बस एक साल दे दें। मेरा आपसे अनुरोध है कि वीडियो को आप शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।